बड़ी खबर आ रही है, किसानों का विरोध प्रदर्शन कुरुक्षेत्र में देखने को मिला। जेजेपी नेताओं का किसानों ने विरोध किया है। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, किसानों ने जमकर नारेबाजी की है और जेजेपी नेताओं का विरोध किया है। आपको बता दें, आंदोलन लगातार किसानों का जारी है। वहीं कुरुक्षेत्र के किसानों ने जेजेपी नेताओं के आने पर उनका विरोध किया है। किसानों ने जमकर नारेबाजी की है। इसके अलावा आपको बता दें, लगातार किसानों की तरफ से नेताओं के आने पर विरोध होता रहा है। 3.5 महीने से आंदोलन लगातार जारी है और आंदोलन के बीच एक तरफ किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के इस तरह आने पर किसानों की तरफ से उनका विरोध किया जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें लगातार मिलती रही हैं और अब कुछ इस तरीके की तस्वीरें कुरुक्षेत्र से आती हुई, जहां जेजेपी नेताओं का विरोध किया गया है। किसानों ने जेजेपी नेताओं के आगमन पर उनका विरोध किया। कृषि कानून को लेकर किसान आक्रोशित, लगातार आंदोलन कर रहे हैं और नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जेजेपी के नेता जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तो वहां पर किसान इकट्ठा हो गए, संयुक्त किसान मोर्चा का झंडा लेकर उसके बैनर तले यहां जेजेपी नेता का विरोध किया गया। इस खबर पर हमारे सहयोगी भरत सावरी हमारे साथ जुड़ गए। भरत, जेजेपी के कौन से नेता पहुंचे कुरुक्षेत्र जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा? देखिए, जो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जननायक जनता पार्टी के स्थानीय नेता थे, उन्होंने एक कार्यक्रम जो है यहाँ आयोजित किया था। यह कार्यक्रम जो था वो अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन को लेकर था। वो इस कार्यक्रम के दौरान जो यहाँ से स्थानीय जो विधायक है रामकरण काला शाहबाद से, और जननायक जनता पार्टी के फाउंडर मेंबरों में कुछ सदस्य है, और युवा के जो महासचिव है वो, और जिलाध्यक्ष, और मेरा कहना है उनका मतलब यह है कि पूरी की पूरी जननायक जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी थी वो इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद थी, और उनका जो है जोरदार विरोध किसानों ने डटकर किया, तब तक किया जब तक कि उन्होंने उस आयोजन स्थल को छोड़ नहीं दिया। जी, तो यहाँ पर जब किसान हम देख पा रहे हैं कि बातचीत हो रही है, किसानों के सामने जेजेपी के नेता भी हैं, यहाँ क्या बातचीत हो रही थी? देखिए, बिल्कुल, किसानों ने एक बात कही है कि जननायक जनता पार्टी वैसे ताऊ देवीलाल के असूलों की बात करती है, पर जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का और जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आया है, उससे वह लोग खासे नाराज नजर आ रहे थे। वो लगातार जो है दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, और उन्होंने साफ कर दिया था कि जब उन्होंने कहा था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किसानों के खिलाफ जाता है तो उसके बाद वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं होने देंगे, जो राजनीतिक पार्टी किसान बिलों का समर्थन नहीं करेगी। तो इसी कड़ी में उन्होंने पहले नारेबाजी की और उसके बाद जननायक जनता पार्टी से जुड़े जो नेता थे उन्होंने किसानों को किसी तरह से मनाया, पर किसान जो है वो अपनी बात पर अड़े हुए थे कि इस पूरे कार्यक्रम को रद्द किया जाए। तो जो कार्यक्रम था वो बीच में ही उन्हें बंद करना पड़ा और उसके बाद नेताओं को आयोजन स्थल से किसानों से पहले जाना पड़ा। किसान जो है वो आयोजन स्थल पर पूरे कार्यक्रम को समाप्त कराने के बाद, रद्द कराने के बाद वहां से निकले। चलिए, शुक्रिया आपका भरत तमाम जानकारी के लिए। तो जेजेपी नेताओं का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच कुछ किसान वहां पहुंचे और उन्होंने तब तक विरोध किया, हंगामा किया जब तक कि कार्यक्रम रद्द ना हो सका।